सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आर्ट्स इन एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट तो so, आइए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, हम स्टार्ट करेंगे पहले अपनी विजुअल आर्ट से कि विजुअल आर्ट होती क्या है जैसे कि हम देखते हैं विजुअल मतलब जो भी चीज़ हम देख सकते हैं तो विजुअल आर्ट वो आर्ट होती है जिसको हम देखकर अप्रिशिएट करते हैं जैसे कि पेंटिंग हो गई फोटोग्राफी हो गई प्रिंट मेकिंग हो गई स्कल्पचर्स हो गए अप्लाइड आर्ट हो गए तो विजुअल आर्ट जो होती है उसका मतलब होता है टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल थिंग्स जैसे कि स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट होते हैं ऐसे विजुअल आर्ट एक ही प्लेस पे रहती है वो अनमूविंग होती है जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो सपोज कोई पेंटिंग है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती वो अपनी जगह से मूव नहीं करती वो एक ही जगह पे रहती है तो ये होता है विजुअल आर्ट का मीनिंग अब विजुअल आर्ट बनाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए होती हैं जैसे लाइन शेप उसकी लाइन से वो फॉर्म होती है उसकी डिफरेंट शेप होती है उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं जैसे सिलेंडर शेप का हो गया क्यूबॉइड शेप हो गया स्पेयर हो गया नेक्स्ट होता है उसमें कलर होता है नेक्स्ट स्पेस वो कितनी ज़्यादा एरिया कवर कर रही है उसके बाद होता है उसमें टेक्स्चर नेक्स्ट होता है उसमें पर्सपेक्टिव परस्पेक्टिव में हमारा क्या आता है कि कलर परस्पेक्टिव उसमें कैसा कलर चूज़ किया गया है कैसे है रिदम चू उसमें देखते हैं कि क्या साउंड है क्या म्यूज़िक है क्या रिदम है और जो लास्ट उसमें चीज़ देखी जाती है वो होती है वैल्यू इसका मतलब लाइट और डार्क कलर्स के बीच में जो वो रिलेशनशिप बिठाते हैं और डेप्थ बिठाते हैं कलर के बीच में वो होता है वैल्यू तो विजुअल आर्ट के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं या बनाते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो ये तो हमने पढ़ा विजुअल आर्ट के बारे में नेक्स्ट इज अवर परफॉर्मिंग आर्ट अब हम देखेंगे परफॉर्मिंग वर्ड का क्या मतलब होता है परफॉर्मिंग मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं दिखाते हैं कि फेस एक्सप्रेशन के थ्रू जेस्चर यानी मूवमेंट्स बॉडी मूवमेंट्स हैंड के थ्रू आई कोऑर्डिनेशन के थ्रू जब भी हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो वो होती है हमारी परफॉर्मिंग आर्ट जो परफॉर्मिंग आर्ट होती है वो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में सेवनटीन इलेवन में दिखाई दी थी अब परफॉर्मिंग आर्ट जो होती है हम उसे देख सकते हैं उसे सुन सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि म्यूजिक हो गया फिल्म देखना ड्रामा डांस ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं परफॉर्मिंग आर्ट के सो so, इन में जैसे म्यूजिक के भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जैसे मेलोडी हारमोनी श्रुति स्वर पिच बीट रिदम कलर एक्सप्रेशन क्वालिटी फॉर्म ऐसी ड्रामा के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि स्पीच होता है साइलेंस होता है मूवमेंट होता है स्टिलनेस होता है लाइट होता है डार्कनेस होता है तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जैसे कि डांस के भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे मूवमेंट रिदम डिज़ाइन एक्सप्रेशन तो इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो ये तो हमने पढ़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स की इम्पॉर्टेंस परफॉर्मिंग आर्ट का मीनिंग अब हम पढ़ेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट इन दोनों की क्या सिग्निफिकेंस है इन दोनों की क्या सिग्निफिकेंस है प्राइमरी लेवल पर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर इमोशन एंड फीलिंग ये एक इमोशन दिखाने का अपना फीलिंग्स दिखाने का एक मीडियम होता है जैसे कि हम सौरव हैं हम दुखी हैं तो हम एक सैड डांस करेंगे सैड पेंटिंग बनाएंगे हम खुश हैं तो हम एक अच्छा डांस करेंगे अच्छा सॉन्ग गाएंगे नेक्स्ट इज इट डेवलप्स इमेजिनेशन पावर ये बच्चों की इमेजिनेशन का पावर को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है जैसे कि टीचर बोलती हैं बच्चों को कि आपको आज एक माउंटेन ड्रॉ करना है तो बच्चे इमेजिन करते हैं फिर वो ड्रॉ करते हैं तो इससे बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द पर्सनैलिटी एड डेवलपमेंट मतलब इससे हमारी स्पीकिंग बिहेवियर मतलब ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है इन्ेंस द फीलिंग ऑफ एस्थेटिसिटी और ब्यूटी ये एस्थेटिक्स और ब्यूटी हमारा पार्ट होता है हमारी डेली लाइफ को तो ये इसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है आर्ट फॉर्म इज यूनिवर्सल मतलब सबके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है लोग को एकदम क्लोज लाती है रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं नेक्स्ट होता है आर्ट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट एंशेंट पीरियड इससे हमें पुराने टाइम के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जैसे कि हम देखते हैं केव पेंटिंग बनी होती है तो इससे हमें कैसे पता चलता है कि ये पुराने टाइम की है तो आर्ट बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करता है एंशियन पीरियड के बारे में नेक्स्ट है आर्ट हेल्प्स टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी जब हम डांस करते हैं हम सॉन्ग गाते हैं तो डिफरेंट फाइन मोटर स्किल्स और हमारी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं इनको बहुत ज़्यादा डेवलप करता है विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स बोथ आर्ट डेवलप द वैल्यू अमंग द स्टूडेंट्स ये लोगों में स्टूडेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जैसे कि सेल्फ एनालिसिस की वैल्यू सेल्फ स्टीम और सेल्फ डिसिप्लिन की वैल्यू को डेवलप करता है इनर एनर्जीज़ इंटू क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो बच्चों के अंदर इनर एबिल एनर्जीज़ है वो उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ की तरह जैसे कोई बच्चा ड्रॉइंग में अच्छा है तो उनके अंदर की एबिलिटीज़ डेवलप होती है इससे अकेडमिक अचीवमेंट इससे बच्चों के अकेडमिक अचीवमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है क्योंकि आर्ट हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है मेकिंग सेंस ऑफ थिंग जो आर्ट होती है जब भी कोई बच्चा परफॉर्म करता है इन आर्ट्स को तो उसे पता होता है कि उसे कौन सी सेंस कब यूज़ करनी है जैसे कि डांस में उसे कब आइज़ कौन सी यूज़ करनी है कब माउथ यूज़ करना है कब हैंड तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बच्चों को पता होती है और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है डेवलप सिटिंग पावर कैपेसिटी एंड अटेंशन स्पैन ये बच्चों के अंदर सिटिंग पावर की कैपेसिटी को डेवलप करता है और बच्चों के अंदर अटेंशन की पावर को डेवलप करता है और ये डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट के थ्रू ही पॉसिबल होता है सो so, आज की वीडियो में हमने पढ़ा परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट का मीनिंग उनके कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी इम्पोर्टेंस पढ़ी कि क्या उनकी इम्पोर्टेंस होती है प्राइमरी लेवल पे। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग